ये वीडियो जानते हैं कब का है? ये वीडियो है निर्भया के साथ जब दुष्कर्म हुआ था उसके बाद सभ्य समाज जब सड़कों पर उतरा था। यहां पर आप देख रहे हैं स्वयंभू राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, जो कि अन्ना के आंदोलन से निकले थे। उस वक्त निर्भया के साथ जो अत्याचार हुआ था, आप हम सब सड़कों पर थे, आप और हम सब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिनमें ये सज्जन भी थे। इनके साथ इनके पुराने दोस्त दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे। और इत्तेफाक देखिए, आज अरविंद केजरीवाल और उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया गुजरात में हैं, राजनीति करने गए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें से तमाम चेहरों में से किसी ने भी इस औरत पर कुछ नहीं कहा? इसका नाम है बिल्किस बानो। इसके 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया गया, वो 11 गुनाहगार जिन्होंने उसके साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो पेट से थी। उसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके परिवार के 7 सदस्यों को हमेशा के लिए हिंसा में खामोश कर दिया गया था। इतना बड़ा अत्याचार हुआ था बिल्किस के साथ। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। बिल्किस के साथ जो अत्याचार हुआ था उसकी तो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके साथ दुष्कर्म, उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पेट में पल रही बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया और उसके परिवार के सदस्यों को भी खामोश कर दिया गया। मगर जो तमाम चेहरे मैंने आपको दिखाए, तथाकथित राष्ट्रीय कवि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनमें से कोई भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोल रहा है। और अरविंद केजरीवाल तो सियासत करना चाहते हैं गुजरात में, गुजरात से जुड़ी सबसे शर्मनाक खबर पर खामोश हैं। यानी कि राजनीति के लिए आपका और हमारा स्तर इतना गिर सकता है कि हम कुछ लोगों की आवाज नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारा हिंदू वोट बैंक कट जाएगा, इससे हमारा हिंदू श्रोता कट जाएगा। अरविंद केजरीवाल को तो समझ सकते हैं, मगर एक कवि तो समाज की आवाज होता है, वो कवि क्यों खामोश है? खैर, कवि तो बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों, इस मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खामोश हैं। इनमें से 2 महिला पत्रकारों ने अपनी जुबान खोली है, मगर वो बयान इतने हल्के हैं ना। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी चुप्पी पर खामोशी है, ना भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में रखा गया है, ना उस तरह की निचली सियासत पर सवाल उठाए गए। कितने शर्म की बात है ना। मैं मानता हूं कि कुछ महिला पत्रकार इस पर सवाल उठा रही हैं, और यही नहीं, मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में भी उस पर डिबेट कर रही हैं। मगर ये वो महिला पत्रकार हैं जो हमेशा से अपना कर्तव्य बतौर पत्रकार निभाती रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वजूद जो है वो मोदी सरकार की बदौलत है, मगर राष्ट्रीय महिला आयोग में इस कदर खामोशी? वैसे तो आप हर मुद्दे पर अपना बयान देते हैं, जी हां, कोई भी राजनेता अगर कोई अनाप शनाप बयान देता है तो आप तुरंत सामने उभर कर आते हैं। हालांकि कोई भी राजनेता नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई कुछ कहता है तब ये अचानक गायब हो जाते हैं, मगर विपक्ष का कोई भी नेता अगर कोई भी अनाप शनाप बयान देता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग सीधे सामने उभर कर आ जाती है। यहां पर बिल्किस के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ और ये सब खामोश हैं। स्मृति ईरानी, स्मृति आपसे तो मैं सवाल भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जब कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया था, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तब आप खामोश थी। हाथरस में रातों रात जब उस परिवार के साथ अत्याचार हुआ था, उस गुड़िया को मौत के घाट उतार दिया गया था, तब भी आप खामोश थी। आपसे जब संसद के अंदर पत्रकारों ने सवाल करने की हिम्मत की थी, तब आप दौड़ती और भागती नजर आई थी।
आज बिल्किस के साथ इतना बड़ा अत्याचार और आप खामोश। आप अमेठी से सांसद हैं, मगर यह ना भूलें कि आपकी गुजरात की पृष्ठभूमि भी है राजनीतिक तौर पर, फिर भी आप खामोश हैं। मगर आपकी खामोशी एक ऐसी चीज है जो मुझे हैरत में नहीं डालती, मुझे शॉक नहीं करती, क्योंकि मुझे आपसे यही उम्मीद है स्मृति जी। जी हां, इससे पहले भी सुविधावादी तरीकों से आपने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। जब राहुल गांधी से जुड़ी कोई बात आती है तब आप अचानक अपना बयान देती हैं, मगर वैसे आप खामोश रहती हैं। यह शिकायत कांग्रेस के बारे में नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और राहुल गांधी का बयान भी जो आपके सामने है। बकौल राहुल गांधी, उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी? आगे राहुल क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। दोस्तों, बोलता हिंदुस्तान नाम का एक समाचार एजेंसी है, उसने निर्भया की मां जो है उसका बयान छापा है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है सीके राहुल जी, उन्होंने एक बयान दिया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गोधरा से भाजपा विधायक सीके राहुल जी ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर उनका स्वागत किया और कहा कि वो ब्राह्मण हैं और उनके अच्छे संस्कार हैं। इस एक बयान में इस व्यक्ति ने यह तो बतलाया ही है कि इनकी राजनीति किस निचले स्तर पर है, इस एक बयान में इसने ब्राह्मणों को भी बदनाम किया है। यानी कि ब्राह्मण अगर एक अक्षम्य अपराध करें, यानी कि दुष्कर्म करें, तो यह उनके संस्कारों का हिस्सा है। मैं समझना चाहता हूं इस विधायक से कि ये कौन से संस्कार हैं जिसकी ये बात कर रहा है। इस मुद्दे पर निर्भया की मां आशा देवी ने भी बयान दिया है और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। बकौल बोलता हिंदुस्तान, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आशा देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दोषी कैदी ब्राह्मण थे तो उन्होंने दुष्कर्म क्यों किया? 1-3 साल की बच्ची के साथ साथ 14 लोगों की हत्याएं क्यों की? अगर ये अपराधी ब्राह्मण थे और इनके संस्कार अच्छे थे तो ये जेल में सजा क्यों काट रहे हैं? निर्भया की मां आशा देवी आगे क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। दोषियों की रिहाई पर जो लोग आज फूलमाला मिठाई खिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, यह बहुत शर्मसार करने वाली बात है। भाजपा विधायक द्वारा दोषियों को ब्राह्मण बताकर उनका समर्थन करना इनकी महिलाओं को लेकर बुरी मानसिकता को दर्शाता है, जिसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि निर्भया की मां में जिन तमाम राजनेताओं का मैंने आपको जिक्र किया ना, चाहे तथाकथित राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास हों, अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, स्मृति ईरानी हों, इन सबको मिलाकर, और अगर इन सब के हौसले को गूंधा जाए और उसकी ताकत निकाली जाए तो उस ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर है निर्भया की मां का हौसला। और निर्भया की मां हमारे समाज को आईना दिखा रहे हैं, उन विधायकों को आईना दिखा रही हैं जो जाति के नाम पर एक जुर्म को जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। आज ये सोचकर सिहरन पैदा होती है कि निर्भया जैसा कांड, यानी कि 2012-13 का निर्भया कांड अभी होता तो क्या होता, क्योंकि जो गुनहगार थे उनमें एक गुप्ता भी था, एक ठाकुर भी था, एक ब्राह्मण भी था। और मैं सोच रहा हूं कि अगर आज के जमाने में यह सब होता तब क्या होता, तब क्या उन दुष्कर्म करने वालों के पक्ष में रैलियां निकाली जाती? क्यों? क्योंकि वो अगड़ी जाति के लोग थे, कोई गुप्ता था, कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था।
क्योंकि आपने सुना ना सीके राव जी ने क्या कहा, गोधरा के विधायक ने कहा ना कि वो ब्राह्मण हैं और उनके संस्कार हैं, तो क्या जो निर्भया के बलात्कारी थे उनके संस्कारों की भी इसी तरह से दुहाई दी जाती अगर यह घटना आज 2021-22 या 20 में हुई होती? सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। वाकई कितने शर्म की बात है, और ये पूरी घटना इस समाज को आईना दिखा रही है। मगर दुख की बात यह है कि कहने को ये मामला आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने है, मगर दुख की बात यह है इस पर बड़े बड़े नेताओं की खामोशी हमारे समाज को आईना दिखा रहा है और हमारे समाज को यह बतला रहा है कि तुम अंदर से कितने खोखले हो, कितने नंगे हो। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके सामने कर रहा हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बिल्किस के साथ हुआ और अब साल 2022 में फिर से उसके साथ हो रहा है, क्या इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा वल्गर कोई घटना हुई है इस देश के इतिहास में? हुई होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर यह सब हो रहा है नए भारत में, न्यू इंडिया में, वो न्यू इंडिया जिसमें वादा किया था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार सही कहा आपने, मगर अब की बार ये मोदी सरकार इस अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। खामोशी तो एक बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। आपसे दो दिन पहले मैंने खुद से कहा था कि मैं बिल्किस के बारे में फिर से बात नहीं करूंगा, मगर फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या बिल्किस के साथ इंसाफ हो गया है, क्या समाज उसके साथ हुए अत्याचार को लेकर जागरूक है जिस तरह से निर्भया के साथ हुए अत्याचार को लेकर यह पूरा समाज जागरूक था। तब यह पूरा समाज एक मंच पर आके उसके साथ गुनाह करने वालों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि सरकार की तरफ से, यानी कि कांग्रेस की सरकार की तरफ से भी राहुल गांधी ने निर्भया के परिवार की मदद की थी, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त भी हम में इतना आक्रोश था, उस वक्त भी हम सड़कों पर उतरे थे, उस वक्त भी हमने दिल्ली पुलिस के बौछारों का सामना किया था, वाटर कैनन्स का सामना किया था, अश्रु गैस के गोलों का सामना किया था, उस वक्त कितनी निडरता से हमने अपनी बात कही थी, आज क्या हो गया मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैंने खुद से वादा किया है कि मैं बिल्किस के बारे में खामोश नहीं रहूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक बिल्किस के हिसाब से उसे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। निर्भया के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया था उन्हें तो फांसी की सजा दे दी गई, और वहां पर अत्याचार सिर्फ निर्भया के साथ किया गया था, मगर बिल्किस की 3 साल की बच्ची, बिल्किस का अजन्मा बच्चा, बिल्किस के 7 सदस्य, उसके परिवार के 7 सदस्य, उसके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उसकी तो कोई हद ही नहीं है ना, उसने तो तमाम हदों को पार कर दिया। क्या वो ब्राह्मण अपनी लक्ष्मण रेखा को भूल गए थे जिन ब्राह्मणों के संस्कारों की बात की जा रही है? खैर, न्यूज क्लिक पर और यहां न्यूज चक्र पर मैं ये आवाज लगातार बुलंद करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।